नमस्कार मैडम फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों बात करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो के अंदर कि देखिए फिजिकल को लेकर हम बात करेंगे और देखिए इसमें पूरी चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी बिहार फायरमैन की जो भर्ती है, जिसका एग्जाम आपका देखिए 27 मार्च को रविवार को होने जा रहा है। दो पारियों में हो रहा है, 10 से 12 और 2 से 4। 2380 पदों के लिए ये हो रहा है और देखिये 15 मार्च से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले चलते हैं, देखिए थोड़ा सा फिजिकल पर मैं इसमें नजर डाल देता हूं कि देखिए यहां पर जो आपका फिजिकल है, अभ्यर्थियों का शारीरिक जो मापदंड रहने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दिए नहीं है, इसमें कोई अंक आपको मिलेगा नहीं, परंतु ये सब योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए जिससे अभ्यर्थी को सफल घोषित किए जाएंगे। तो देखिये यहां पर अनारक्षित सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर रखा गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 है और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है। देखिए सीना फ्लाप सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, तो यहाँ पर देखिए आरक्षित अनारक्षित सामान्य मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए 81 और 86 रखा गया है, 81 बिना फुलाए फुलाकर 86, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 81 और 86 रखा गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए यहाँ पर 79 और 84 रखा गया है और देखिए महिलाओं के लिए ये लागू होता नहीं है। वजन देखिए सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 किलो वजन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो आप एग्जाम अब देंगे 100 नंबर का, उसके बाद जो फिजिकल होगा उस पर मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। मेनली तो देखिये आपके लिए फिजिकल है एग्जाम के बाद, तो देखिए यहाँ पर शारीरिक योग्यता दक्षता जो परीक्षण है उसके लिए यहाँ पर पूरा बात करेंगे, 100 अंकों का ये होगा। देखिए यहाँ पर दौड़ अधिकतम 50 अंक की यहाँ पर दौड़ है सभी कोटि के पुरुषों के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया, 5 मिनट से कम करेंगे तो आपको 50 अंक आपको मिलेंगे और 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक करेंगे तो आपको 40 अंक मिलेंगे और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक में करेंगे मतलब 5 मिनट से 40 सेकंड तक करेंगे तो 30 अंक मिलेंगे और 5 मिनट 40 सेकंड से ऊपर मतलब 6 मिनट तक करेंगे तो आपको यहाँ पर 20 अंक मिलेंगे। अब देखिए 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों को असफल घोषित किया जाएगा, 6 मिनट से ऊपर आप करते हैं तो आप यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। आगे चलते देखिए सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में रखा गया है, 4 मिनट से कम करेंगे तो 50 अंक उतने ही 50 अंक और 4 मिनट 20 सेकंड तक करेंगे तो 40 अंक हैं और 4 मिनट 40 सेकंड तक करेंगे तो 30 अंक हैं और देखिए 5 मिनट तक करेंगे तो 20 अंक और 5 मिनट के ऊपर करेंगे तो आपको यहां पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं फिजिकल में, देखिए गोला फेंक अधिकतम 25 अंक है इसके, 25 अंक में देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहां पर 16 पाउंड का गोला मतलब न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। 16 फीट से 17 फीट तक अगर फेंकता है कोई तो 9 अंक उसको मिलने वाले हैं, अगर 17 से ज्यादा 18 फीट तक फेंकता है तो 13 अंक मिलने वाले हैं, 19 फीट तक अगर कोई फेंकता है तो देखिए उसको 17 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं और देखिए यहाँ पर 19 फीट से ज्यादा मतलब 20 फीट तक अगर कोई फेंकता है तो यहाँ पर 21 अंक मिलने वाले हैं और 20 फीट से कोई ज्यादा फेंकता है तो उसको 25 अंक पूरे के पूरे यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब देखिए 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर फिर असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए वही 12 फीट मतलब 12 पॉइंट का ही गोला है। अब देखिए यहाँ पर 13 फीट तक फेंकेंगे तो 9 अंक मिलेंगे, 14 तक फेंकेंगे तो 13 मिलेंगे, 15 फीट तक फेंकेंगे 17 मिलेंगे, 16 फीट तक फेंकेंगे 21 मिलेंगे, 16 फीट से ज्यादा फेंकेंगे तो पूरे के पूरे अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे और देखिए 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। क्या 12 फीट से मिनिमम है और मैक्सिमम आपका यहाँ पर 16 फीट से। अब देखिए ऊंची कूद की बात करते हैं, इसमें भी 25 नंबर है फिजिकल में। अब देखिए यहाँ पुरुषों के लिए बात कर लेते हैं, न्यूनतम 4 फीट। अब देखिए 4 फीट अगर कोई ऊंची कूद करता है 13 अंक है, 4 फीट 4 इंच करता है 17 है, 4 फीट 8 इंच करता है तो 21 है और देखिए 5 फीट करता है या 5 फीट से ऊपर करता है तो उसको देखिए यहाँ पर 25 अंक पूरे के पूरे मिलने वाले। अब आगे चलते हैं 4 फीट से कम कूदने वालों को यहाँ असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए फिजिकल में पग पग पर आपको यहाँ पर चुनौती है तो आप पग पग पर यहाँ पर असफल घोषित कर दिए जाएंगे, फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। फिर चलते हैं देखिए महिलाओं के लिए, अगर 3 फीट तक 13 अंक हो गए, 3 फीट 4 इंच तक 17 अंक हो गए, 3 फीट 8 इंच तक यहाँ पर 21 अंक हो गए और 4 फीट से ऊपर कोई फेंकता है तो पूरे के पूरे 25 अंक यहाँ पर मिलेंगे। अब देखिए 3 फीट से कम कूदने वाली जो महिला है उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपकी जो
कौन सी है, ऊंची कूद जो, ये यहां पर हो गई। अब आगे चलते हैं, देखिए यहां पर देखिए नियत पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। देखिए मात्र गोला फेंक ऊंची कूद में अधिकतम तीन मौके आपको यहां पर मिल जाएंगे। किसमें मिलेंगे? गोला फेंक में और आपको ऊंची कूद में 3 मौके आपके यहां पर मिलेंगे। अब देखिए आगे एक चीज और है, मेगावी यहां पर शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धाओं जैसे आके आपकी दौड़ हो गई, ऊंची कूद हो गई, गोला फेंक हो गई, अभ्यर्थियों का यहाँ प्राप्त अंकों के आधार पर देखिए यहाँ पर तैयारी की जाएगी, जिसमें देखिए फिर आगे आपकी जो मेरिट जो बनेगी उसमें आपका देखिए यहाँ पर रिटर्न एग्जाम का भी आपके नंबर यहाँ पर जुड़ेंगे। तो ये देखिए पूरे फिजिकल की कहानी थी। इस फिजिकल को और भी अगली वीडियो में थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, तो आप एग्जाम दीजिए। संदेश जिन तक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फिर आता हूं अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ। ये वीडियो सिर्फ फिजिकल को लेकर थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।